हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। और आज मैं फिर से आ गई हूँ किचन का कुछ कुछ टिप्स लेकर के, ताकि आपका किचन का काम हो जाए बहुत आसान। तो जी देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरा गैस स्टोव है जो थोड़ा गंदा हो चुका है, और ये जो बर्नर है ना, इसको भी मुझे क्लीन करना है। तो मैं कैसे क्लीन करूँगी, बहुत ही आसान ट्रिक्स मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है गुनगुना पानी, और इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा और एक दो चम्मच विनीगर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने डिश वाशर दे दिया है विम लिक्विड। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद गैस स्टोव का जितने भी कैपेसिटी है, सब कैपेसिटी को हम खोल के इसमें भिगो के रख दूँगी। लगभग 10 मिनट के लिए मुझे भिगो के रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि जितने भी गंदगी था वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। अब एक टूथब्रश के हेल्प से मैं इसको हल्के हाथों से घिसूंगी ना, तो ये एकदम से क्लीन हो जाएगा। ये बहुत ही असरदार टिप्स है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। और फ्रेंड्स देखिए, ये बर्नर को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बर्नर में जो जाली जाली होता है ना, वो अगर बंद हो जाता है तो फिर गैस अच्छे से निकलता नहीं है, गैस का वेस्ट होता है और ख़राब हो जाता है धीरे धीरे जंग लग के। तो इस तरीके से इसको क्लीन करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। एटलीस्ट अब मंथ में एक बार तो इस तरीके से क्लीन ज़रूर करें। और अभी मैं इसको प्लेन पानी से धो लूँगी और बस धो के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये एकदम से क्लीन हो चुका है। अभी ड्राई करने के लिए मैं रख रही हूँ, ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं गैस स्टोव में इसको लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, दीवार में ऐसे लिखना वगैरह तो मामूली से बात है, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा ये सब करता रहता है फर्नीचर में, फिर दीवार में वो लिखता रहता है। इसको हटाना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि ये जो दीवार में लिखा हुआ है ना, ये पूरा मिट जाएगा। तो मैंने ले लिया है टूथपेस्ट, वाइट कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है ना, उसको ही आप यूज़ में लीजिए। और बस एक टूथब्रश, जो पुराना टूथब्रश है, उसी को मैंने ले लिया है। और थोड़ा सा मैंने पानी लगा के इसको हल्के हाथों से मैं घिसूंगी ना, तो ये एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अच्छे से आप लोग को दिखाने की कोशिश किया है, देखिए कितने अच्छे से रिमूव हो जा रहा है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया था, लेकिन इसको रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हाँ, मुझे बार बार कोलगेट और पानी लगा के इसको रिमूव करना पड़ा, और इसको रिमूव करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम भी लगा था, क्योंकि दीवार में लिखा भी ज़्यादा था, तो इसलिए। तो देखिए, क्लीन हो चुका है। अब गीले कॉटन के कपड़ा से इसको मैं वाइप कर लूँगी, तो दीवार मेरा पहले जैसा एकदम क्लीन हो जाएगा। अंडा तो हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बहुत चिल हो जाता है, बट अंडा का कुछ रेसिपी या तो फिर केक बनाना होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर का अंडा चाहिए होता है, तब बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो उस टाइम के लिए मेरा ये टिप्स है। तो जितने अंडा मुझे चाहिए होगा उतने अंडा मैं फ्रिज से निकाल लूँगी। फ्रिज से निकालने के बाद गैस ओवन के साइड में इस तरीके से रख दूँगी। इस तरीके से रख देने से बहुत ही जल्दी अंडा रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, गैस स्टोव गर्म रहता है, अगर गैस स्टोव गर्म नहीं भी रहता है तो गैस ओवन को हम जला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हम गर्म पानी में रखें या रूम टेम्परेचर में रखें, लेकिन इतना जल्दी इतना आसानी से अंडा रूम टेम्परेचर में आता नहीं है। तो ये टिप्स आप अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने गैस स्टोव को जला दिया। लगभग 1 मिनट तक हम गैस स्टोव को जलाए रखेंगे, फिर 1 मिनट के बाद बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद 2 मिनट और रखेंगे, क्योंकि गैस स्टोव अभी गर्म है। तो ऐसा करने से बहुत ही जल्दी अंडा रूम टेम्परेचर में आ जाता है। फ्रेंड्स, ये है ड्रमस्टिक का छिलका, यानी कि सजन का छिलका। तो ड्रमस्टिक का सब्जी तो मैंने बना लिया है, लेकिन इसका छिलका को मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़ में आता है। तो उसी में से एक यूज़ आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कल का है तो थोड़ा सा सूख गया है, उतना फ्रेश नहीं है, लेकिन फिर भी इससे काम चलेगा। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद चलिए टिप्स दिखाती हूँ इसका मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक टब में थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है। पानी मुझे गुनगुना ही चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। देखिए, मैं टच कर पा रही हूँ, यानी कि मैं टच कर पाऊँ ऐसा पानी मुझे चाहिए।
फिर इसके बाद देखिए चाय पत्ती ऐड कर रही हूँ, तो ये यूज़ किया हुआ चाय पत्ती है, तो सुबह में मैंने चाय बना के पी लिया है, उसी चाय पत्ता को मैं ले रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप ड्राई चाय पत्ती भी ले सकते हैं, बट इसका भी यूज़ बहुत आता है तो इसलिए मैंने आप लोग को दिखा दिया। फिर उसके बाद जो ड्रमस्टिक का छिलका है उसको ऐड कर दिया है। अब ऐड करके हम अच्छे से मिला देंगे और इसको हम भीगने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट के लिए भीग के रहेगा, उसके बाद इसको यूज़ में लूँगी। और देखिए इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए पैर को पानी में भिगो के रखें। ये पैर मेरा बेटा का है, एक्चुअली उसका पैर से बहुत ही ख़राब स्मेल आता है, खास करके जब वो सू पहनता है तो उस टाइम उसका पैर से ना बहुत ही ख़राब बदबू आता है, तो उस बैड स्मेल को रिमूव करने के लिए ये टिप्स बहुत ही असरदार है। क्योंकि सू पहनने से ना ज़्यादातर लोगों का पैर से ना बैड स्मेल आता है। अगर इसको आप रेगुलर यानी कि हफ्ते में एक बार भी अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका पैर से कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगा। आप इसको ट्राई करके देखें फिर मुझे कॉमेंट करें। हम लेडीज़ों का दिन का आधा टाइम तो किचन में ही बीतता है। खाना बनाते बनाते अगर किचन काउंटर टॉप में इस तरीके से तेल गिर जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसको अगर किचन टॉवल से रिमूव करेंगे तो ऑयल का जो स्टिकी है वो जाएगा नहीं। तो मैदा या आटा जो भी आपके पास रहे उसको आप तेल के ऊपर छिड़क दें इस तरीके से। अब हम ले लेंगे एक टिशू पेपर इसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे पेपर या तो फिर टिशू पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले लें और इस तरीके से इसको क्लीन करें। इस तरीके से अगर इसको क्लीन करेंगे ना तो ऑयल का जो स्टिकी है वो रिमूव हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए ये ड्राई हो चुका है यानी कि बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो किचन टॉवल से अगर क्लीन करेंगे तो ऑयल का स्टिकीनेस वो जाएगा नहीं और क्लीन अच्छे से होगा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है, हम खाना बना लेते हैं, खाना बनने के बाद कढ़ाई कुकर बर्तन उसको हम डेली क्लीन करते हैं, लेकिन जो चीज़ किचन में ज़्यादा यूज़ में आता है जैसे कि नाइफ ग्रेटर सीज़र उसको हम क्लीन करना भूल जाते हैं, प्लेन पानी से धो के बस उसको रख देते हैं, लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में गर्म पानी कर लिया, फिर उसके बाद सोडा और विनीगर ऐड कर दिया था, फिर उसके बाद लाइजोल ऐड कर दिया है। अब इस पानी में ग्रेटर नाइफ बीटर पाव भाजी मेसर जो भी छोटा छोटा जो यूटेंसिल होता है वो मेरे पास जो भी अवेलेबल है उसको मैं डाल दिया है। अभी इसको 10 मिनट हम इस तरीके से बॉयल करेंगे। इस तरीके से बॉयल करने से इसमें जो जम रहता है वो क्लीन हो जाता है, ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो आप ज़रूर इस टिप्स को फॉलो करें। बॉयल करने के बाद इसको मैं प्लेन पानी से अच्छे से धो लिया है। अच्छे से धोने के बाद इसको मैंने ड्राई करने के लिए रखा है, एक टॉवल बिछा दिया है और उसमें मैंने रख दिया है, ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरे ये टिप्स वाला वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। होप कि आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो चलिए बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।